ओ माय गॉड गाइस, तुम लोगों को सच में आ चुका है यार। कितने टाइम से, लिटरली मैं कितने टाइम से वेट यार हूँ। अरे भौजी भाई, फिर से नॉक हो गए यार। अरे वो क्या है ना, पिंग हाई हो गई थी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो। तो और भाई लोग, क्या हाल चाल है यार? तो यार, बातों को लंबा चौड़ा नहीं घुमाऊंगा, डायरेक्ट मुद्दे में आऊंगा। तो आज सुबह मैं गेम खेल रहा था और गेम खेलते टाइम ये नोटिफिकेशन आया। भाई साहब, सच बताऊं तो ऐसा नोटिफिकेशन किसी और को भी आया क्या? ये नोटिफिकेशन देख के मैं बिल्कुल डर गया। मेरे को लगा कि भाई रोजी रोटी में आंच आने वाली है, अब शायद हम लोग बीजमाई भी नहीं खेल सकते क्योंकि सर्वर ही बंद हो गए। लेकिन थोड़ी देर के बाद मैं गया इंस्टाग्राम में और वहां मुझे दिखी ये पोस्ट, जो कि बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया की ऑफिशियल पेज की पोस्ट थी और इसमें लिखा था। और ये पोस्ट ना गाइस, एक साल बाद है ये। एक साल से ना कुछ अपलोड नहीं किया था बीजीएमआई ने इंस्टाग्राम पे। अभी बताएगी स्टे ट्यून्ड, और ऊपर लिखा है साफ साफ बीजीएमआई क्राफ्टन। अब ये देख के मैं समझ गया कि भाई वो जो सर्वर बंद हुए हैं उनका इससे कनेक्शन है। और अगर आप ध्यान से देखो तो 28 जुलाई 2022 के बाद आज पोस्ट डाली है बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया ने, मतलब एक साल बाद। खैर, ये पोस्ट के बाद भी मेरे दिमाग में कंफ्यूजन थी कि भाई स्टे ट्यून का मतलब गेम तो आने वाला है, लेकिन कब? और मेरे ये सोचते, क्योंकि काफी टाइम से यार ऐसे ही चल रहा है, मतलब आने वाला है, पर कब वो भी देखते हैं आगे। सोचते ही उन लोगों ने एक और पोस्ट कर दी और It's इसमें time. तो भाई साफ साफ लिखा है कि इट्स टाइम टू स्विच ऑन नोटिफिकेशन। भाई साहब, तो यार इसका मतलब तो यही है कि शायद आज, जी हाँ शायद आज या कल के अंदर भाई अपना बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया आने वाला है, क्योंकि सर्वर भी बंद है और अभी हम गेम भी नहीं खेल पा रहे हैं। तो सर्वर ज्यादा देर बंद हो नहीं सकते, इसलिए मुझे लग रहा है कि भाई आज या कल के अंदर बीजीएमआई आने वाला है। तो बस इंतजार करो और इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों को, ताकि ये खुशी की लहर उन तक भी पहुंच जाए। खैर गाइस, सही में यार वापस आ रहा है, और सही में यार इस वीडियो को शेयर करो जितना कर सकते हो, सबको बता दो यार वापस आ रहा है। सर्वर सारे क्लोज हो चुके हैं और जैसे ही ऑन हो गया ना तो समझो आ गया वापस। तो चलो, तुम लोगों को ये तो पता चल ही गया है कि बीच में क्या हालचाल है, तो आज थोड़ा सा गेम प्ले भी देख लेते हैं हम लोग। चलो अब ये इंट्रो एंजॉय करो। तो ये कहानी की शुरुआत होती है जॉर्जपुल से, जब मेरे आजू बाजू चारों तरफ बंदे होते हैं और मेरे टीममेट एक एक करके मारे जाते हैं। अब इन दो बंदों को तो मैंने जैसे तैसे निपटा दिया, लेकिन उसी टाइम यहाँ एक गाड़ी भी जाती है और उस गाड़ी में होते हैं टोटल चार बंदे। और अगर आप जरा ध्यान से देखो तो मेरी हेल्थ ओनली 20% है और बैग में पड़ी है कुछ बैंडेजेस जिन्हें लगाने का भी मुझे टाइम नहीं मिलता। हिचकिचाना नहीं चाहिए मांगने में कभी, जो तुम्हारे जीवन का मूल हक हो। और तुम भी आ जाना अपनी स्क्वाड लेके, अगर मेरे बन बी फोर में कोई शक हो। तो यार आज की इस वीडियो में एक नहीं, दो नहीं, चार पांच ठो बन बी फोर हैं, और साथ ही आज आपको रैंडम नहीं गूंगे रैंडम के साथ गेम प्ले बनाना कितना कठिन है ये देखने को भी मिलेगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना, आपको काफी मजा टाइप का आएगा। पर फिलहाल हम उतरे हैं फैरो के टेम्पल में, तो चलो पकड़ते हैं यार बंदों को। अब उतरते ही मैं दो बंदों को नॉक कर देता हूँ, लेकिन किल सिर्फ एक ही की मिलती है, एक की कोई और चुरा लेता है। Watch out.
यार तीन बंदे निपटा दिए, लेकिन यहाँ पे भैया बंदे दर्जन भर उतरे थे जो कि पता नहीं कहाँ गए। तो मेरे को लगा कि कहीं घास आस में लेटे ना हूँ तो मैं उन्हें देखने जाता हूँ, पर उतना ही मुझे बाजू से फुर्सत टैप आती है। मैं लिख दूं तुम्हारी उम्र चांद सितारों से, तुम आए हो मेरी जिंदगी में फूल बहारों से। कहती थी बाबू पहली बार है, और क्लच हो चुका है उसका कई हजारों से। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। तो भैया जो समझा है वो इस बात को अपने तक रखना, कमेंट में जाके गोदागादी मत मचाना, और जो नहीं समझा उनके लिए बंटी तेरा साबुन स्लो है क्या? हा? अब यहाँ दो सामान्य आदमी बोर्ड दादाओं के बीच में मुठभेड़ हो रही थी, तो एक को नॉक किया और तब अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि बोट ये था या इसके पहले वाला था। साला दोनों के एक ही लक्षण। खैर जो भी हो, इन सब को मैंने निपटाया और उसके बाद लूटा लाटी करके मैं डायरेक्ट गोरे गोपाल आता हूँ, और यहाँ आते ही देखो क्या होगा। okay. अब इसको मैंने नॉक किया और फिर मैंने सोचा कि जाके इसकी पेटी बना दूं, पर मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे इसकी फुल स्क्वाड भी बैठी है। Awesome. जो निकाले हर बात पर बाल की खाल, ऐसे सिर्फ रिश्तेदार होते हैं। और बेटा जब फौजी आता है सर्वर में तो एक से एक क्लच बार बार होते हैं। तो यार फाइनली से स्क्वाड को भी निपटा दिया, तो कमेंट में बताना सच कैसा लगा एक क्लच, और अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता है यार, तो लाइक के काले बटन को ठोकना मत भूलना। खैर हमें लगता है कि गोरे गोपाल पूरा खाली हो चुका है, तो फिर हम लोग यहाँ से लूटा लाटी करके निकलने की सोच ही रहे थे, पर तब I'm being surrounded. चीता मेरे यार ना खाएगा की खकार। एक घंटा से लगा है help, I am being surrounded. अरे भाई बचा लेंगे, थोड़ा रोको जरा सबर करो। Awesome. Thanks. नोक होगा क्या नेट से? नहीं। नहीं रिलोड पे लग गई यार। हर रोज बहक जाते हैं मेरे कदम आने के लिए, न जाने अभी कितने फासले तय करना है तेरी पाने के, तुझे पाने के लिए। क्या बोल देता हूँ रे मैं? पता है हरामी हो। अरे बाओ यार मेरे को बहुत याद आ रहा है ये वाला रश बहुत बढ़िया रहता है, मजा आता है। बीच में कम बैक आ रहे यार ये किटी किटी क्यूट है। हम यहाँ पे गेम प्ले देख रहे हैं ना। लिट हो गए
कसम से यार, एक बंदे को और मार देता तो वन बी फोर हो जाता, लेकिन एचपी बहुत कम थी और वो लास्ट बंदा सडनली एकदम से आ गया तो कुछ भी कर पाने का मौका नहीं मिला। खैर दोबारा हमारा पुनर्जन्म हो जाता है और जहाँ मेरे टीममेट उतरे थे वहीं पे मैं उतर जाता हूँ, लेकिन ये लो मेरे उतरते ही इन तीनों की भी पेटी बन जाती है। तीन निठल्ले टीममेट मर गए फ्री तो अब कैसे करेगा फौजी बन बी थ्री, जानने के लिए देखते रहिए फौजी सीजन गेमिंग। उदास हूँ जब से दिल तोड़ा है उसने, अब तुम ही कुछ करो यारों कि उदास हूँ जब से दिल तोड़ा है उसने, अब तुम ही कुछ करो यारों। अरे फौजी भाई फिर से नोक हो गए यार। अरे वो क्या है ना, पिंग हाई हो गई थी भाई। मारो मुझे। तो यार मुझे नहीं पता कि आज का ये गेम प्ले आपको कैसा लगा, छोटा सा था पर क्लच भरपूर थे। तो अगर यार बहुत बढ़िया लगा गेम प्ले यार, बहुत बढ़िया लगा, मजा आ गया सही में देख के। और इनकी शायरीज ना, टू गुड मैन, टू गुड गाइस, मेरे को तो वीडियो बहुत अच्छे लगे और ये इनकी शायरीज ना, माय गॉड, मतलब टू गुड यार, मतलब गेम प्ले के साथ ऊपर से शायरीज, मजा आ जाता है सही में कसम से। और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, एंड या डू शेयर द वीडियो, बाय गाइस।